अपनों की रानी कब आएगी तू चलिया चलिया। कौन आ गई? कौन के आती? ये मोटरसाइकिल आ गई? पर तुम कहाँ जा रहे हो साड़ी गुलियो? मंदिर जा रहा हूँ भगवान की पूजा करने। तुम पैदल जाओगे? चलो मैं लेके चलूं। अरे जा तू बुक्की लेकर ढोरों को नाड़ लिया खेत। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में पूजा करके। हम 2 किलोमीटर पैदल जाओगे कि ये मोटरसाइकिल कद काम आओगी? चलो मैं लेके चल रहा तुम्हें। ना मानता तो चल भाई। आओ बैठो। बताओ पिताजी, घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी तुम पैदल जाओगे कि कोई के कहेगा हमें? बताओ कितनी देर लगी लोहा लिया थारा मंदिर? इस चीज का फायदा बहुत है पिताजी। जाओ कर आओ भगवान के दर्शन। राजा तू भी कर लिया भगवान के दर्शन? दोनों साथ जाएंगे तो मोटरसाइकिल कौन ध्यान रखेगा? यहाँ सारे चोर बहुत हैं, आंख पाड़ के बाहर देख रहे हैं। अरे यहाँ भगवान के घर कौन चोरी कर रहा? ताजे फर वाला जमाना ना है तो आंख बची और दुर्घटना घटी। पाए लोगो चाचा। खुश रहो, खुश रहो, आनंद रहो। अरे तुम दोनों जाओ, हम बैठे यहाँ, हम देखेगा हमारी बाइक का कौन हाथ लगा देगा। तू और सारा खानदान तो पहले ही डकैतों का। गुस्सा मत दिलागा, गुस्सा आ गया तो फिर क्या करेगा? देखे हम तो अपना मुंह पी पीट लेंगे। ना बता दियो अगर तुम्हें कुछ करना हो तो। करने को तो हमने आज लोग अपनी घर 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 वाली कहीं ना कुछ करा जो जो हम कर लेंगे कुछ। अरे तुम यहाँ खड़े दूध बंद हो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ पूजा करने। आता हो आ जाइए। थारे में खुजली हो ही रहा है पिताजी, चल तो रहा मैं। अरे ओए तुम दोनों कान खोल के सुन लियो, अगर तुमने मोटरसाइकिल हाथ लगा दिया ना तुम नहीं जानी है। माय डियर घोड़ी अब बनकर चल ला पौड़ी। अरे या घोड़ी ना तेल पे चलानी आती और ना चलानी आती मेरे पे। अरे वो है ना अपना घनश्याम और वो सिखा देगा। चल तो जल्दी चल। अरे आजा। हे भगवान, कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका भला करिए मालिक। हे भगवान जी, थोड़ा घरवाली जल्दी लाइयो, इसकी तरह सुंदर और सुशील हो, बिल्कुल रानी की जैसी हो। भगवान जी थारी ब्याह में दावत करूंगा, रसगुल्लों का भोग लगाऊंगा, बिल्कुल इसके जैसी हो। पिताजी होगी पूजा? होगी बेटा, चल जल्दी चल, अभी खेत को भी जाना। हाँ चल जल्दी खेत को भी जाना, देर हो रही है अब। पिताजी वहां तो मैं जल्दी हो रही, यहाँ तो मैं देर हो रही है। पिताजी तुम भी कमाल करो, भगवान के घर थोड़ी घंटे रहना चाहिए। अच्छा अभी तो भगवान हमारी बात मानेगा। राज के मांगा भगवान थे? पिताजी मांगता के मारे कुछ कमी थोड़ी है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है हमारे, जमीन भी है, जायदाद भी है, मोटरसाइकिल भी है, बस कमी है तो एक चीज की है, वो एक घरवाली की है, और वो तुम दुआई दोगे।
रब चले यहीं खिड़ा रहेगा या आज ही तय करेगा कद आओगी बहू। पिताजी तुम जल्दी मत करे करो, पूजा आने से शांति तो होवे। और तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं पूजा करके आ रहा हूँ। ठीक है आ जाइए, जल्दी आइए। हे भगवान, तुम भी बहुत चमत्कार करो, जैसी मैं चाह रहा यार तुमने मुझे वैसी ही दे दी। आज इसमें हंसने की बात थोड़ी है, भगवान मेरी जल्दी सुन ले। मैं भगवान से जो चीज मांगू ना, मांगने से पहले कहते ले ले। अच्छा जी, ये तो बढ़िया है, भगवान आपकी जल्दी सुने। तू पूजा करने रोज आवे? जब जब दिल की मर्जी होती है तब तब करे। थारा दिल कब कब करे? अरे सुन, अरे कहाँ जावे? लो जी कर लो बात। अरे मैं तो तेरे से प्यार की बात करने वाला यार, पर कोई ना, रवि भी किसी का पीछा ना करता। पिताजी कहाँ गई मोटरसाइकिल? पर मुझे क्या पता? तुम्हें ना पता है तो होगी पूजा, मैंने पहले कही है, रामू वामू साड़े का खानदान चोरों का इनका। भीतर चल भीतर, वैस बड़े भगत जी अब ठा दी। चलो पहले लग पता लगेगी तुम्हें, इनका तो साड़ों का टाइम ही खराब आ रहा है। अपने आप तो जाएगा, हमें पैदल लेके जा रहा बुड्ढा। अरे अरे कहाँ फंस गई? अरे अरे ये अरे कहाँ फंस गई? मारे तो फूट के तो भाई रवि, अरे भाई रवि रखे हुआ बहुत बढ़िया। सारे पेट्रोल फूकते पी रहे हो और तोड़ती मोटरसाइकिल सारी। अरे तुम्हें किधर ले जा रहे हो? छोड़ दे छोड़ दे, अरे कहां के रे मार, इसको तो बाद में लिए, पहले इसके दिल से काट दे ना। सारा तोड़ दिया यूं। अरे भाई, अरे अब तो सराडी सीख के थे, तुम क्यों उठा ले इसे मत? अच्छा हम तो मोटरसाइकिल चलानी सीख रहे थे। सारे तुम्हें इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इसी से सीख रहे चलानी तुम। अरे भाई अरे रे छोड़ दे, रे छोड़ दो और मत मारे ना भाई। रे कैसे करे मुझे घेरा करके, हट मेरे को चले मरण दे। अरे तो साड़ा कैसा काम करते, तुम्हें जानते मार दूँ भाई। हमने देखने के फिर मोटरसाइकिल का मुंह तो भाई देखो ना, अभी ना छोड़ पर अभी ने चल बकरे पिटली है ये इन्हें सुसर दिन पिटवा दियो, दांत काट रहा इसा खड़ी कर कर भैंसा बुक लेकर नार लिया हो रहा हवा के घोड़े पे सवार। मैं की करूं फिर, मैंने तो पूछी ना। अजी तुम पूछो या ना पूछो, मार तो फर्ज बना है बताने का, तुम्हारा ही तो घर है, आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। क्यों, इसी घर में क्यों आना सर? वैसे तो मैंने पंडित जी से पूछी है, पर तुम हो कहाँ की? 1 किलोमीटर मारा गाँव है मुकिमपुरा। अजी मैं जा रहा हूँ उधर ही, बैठो मेरी गैर, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें मुकिमपुरा। तू रहने दे, मैं चली जाऊंगी। अजी तुम्हें पता ना है हमारे गांव में बहुत सारे गुंडे हैं, तुम्हें ठाट होकर ले जाएंगे और कुछ गड़बड़ कर दी तो।
डरती ना हूँ ना मोहिनी से, एक ने तो कल छेड़ दी, दूसरे की नाक ही तोड़ दी। मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ओ सुन बे आरजी। अरे सुने ये बात में यंग देख। बेटे माल बड़ा चंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, बाल उड़ा दूंगी। कदी ना उड़ावे बाल। अबे तू सुन, मैं माल पटा के भी आ रहा हूँ। अबे सुन, न माल सब तो पहले देखा मैं पटा माँ, ज्यादा बुद्धिमान ना बने। अरे ते 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 तेरे पे बात करनी को 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 ना थी। चोंच बंद कर ले, मरता बड़ा नवाब ना कोई। मक्का मान जा, न साले की मक्का सी फोड़ दूंगा। तू फोड़ देगा मक्का सी, साले बेल पत्थर सी तोड़ दूंगा। अरे यारी की शर्म है, अर न पत्थर बेल तो फोड़नी मैं भी जानू। शर्म को टांग दे घुंटी पे और ज्यादा हल्के बना ले वे। अरे तेरी माँ की फोड़ दो खो खोपड़ी। अरे माँ को ना कह दे कुछ भी, बाप को भले कुछ कह लिए। साले को जानते मार दूंगा। तुझे सोने समझा रहा मैं, ये तो मैं शर्म कर रहा तेरी यारी की। अरे मूली और तन्न मारे खे, खे, खेत में मूली छोटी का है। मैं तो चार दी, तुम लड़ो मरो मन्ने के। जावे कहा मारे में दोनों माँ भरत करवा के मारा फे, 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 करवा के चाहिए ना, तो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी। मारे बस की ना, ना फैसला वैसला करवाना। तेरे सिवा मारा कोई फैसला भी ना कर सके। बता के बात से, हम दोनों तुमने प्यार करे से, अब तू बता तुम्हारे दोनों में से कौन से से प्यार करे। तुम दोनों से प्यार करे मेरी चुप्पी। हसिया जब रूठ जाती है तो और भी हसी हो जाती है। कोई हसी ना। अरे तुम तो बता यार, इस गंडे में मुंह फड़वाओ जाएंगे, कुछ खान पीने का जुगाड़ होगा ही नहीं। कर रहा आज रात में किसी लालू को फुड़ देंगे। लालू को फुड़ देंगे बड़े हमारे गांव में। तू लाला वाला को छोड़, पहले इसे देख। सुनिए क्या हाल है जी। तू कौन है हाल पूछने वाला, रास्ता नाप। रास्ता भी नापेंगे और तुझे भी नापेंगे। मर गए मुझे नापने वाले, छोड़ दूंगी तुम्हें मतलब है भुंडी से कल के। सिंह बड़ा मजा आएगा इस नागिन की बीन बजाने में। सही कह रहा है तू। जानते नहीं तुम किसकी लड़की हो मैं। बड़ी कंची की तरह जबान चल रही तेरी। जबान चल रही तेरी हैं? बोल। आई तेरे को मार गई। मंगल सिंह को तेरा थप्पड़ मारना बहुत महंगा पड़ेगा। साले मार मार के पिछवाड़े को लाल कर दूंगा। पिछवाड़े में तो साले सटान मार रही है। बचाओ बचाओ। ओए देखो क्या हो रहा। ओए
जाओ मैं तुम्हें घुमा। अरे तू रहने दे, तेरा गुस्सा ज्यादा भयंकर है। अरे भाई तुझे न बचा लिया ना साड़ू के तरबूज से भर देता। अरे बस रुक जाओ, मैं उसे देखियो। तुझे कैसे हंसी आ गई? तेरा स्टाइल देख के। क्यों, मेरा स्टाइल बढ़िया ना यार? बढ़िया था जब। अरे बाबी के हाल से। अरे तुम जा रहे हो छोड़ के? अरे भाई सुन, अरे सुन तो यार, मार दिए। अरे छोड़ दिए, तो या पहली लड़की है भाई, लड़का लड़की को छोड़ देख रहा है या मुझे छोड़ दिया? अब ठीक है चलो। सुनो जी, सुनाओ जी, आज तक तो हम थारी सुनते आ रहे हैं। सुनाओ जी, आज तक तो हम थारी सुनते आ रहे हैं। आज मोहिनी ने मंदिर से आने में बड़ी देर कर दी, जमाना ठीक ना जी? तेरी मारी बेटी की तरफ आंख उठा के तो देखे, ससुरे की आंख फोड़ दूंगा। फिर भी अपने बालक का ध्यान रखा करें। ले जो आगे मरे मत। आज बड़ी देर कर दी बेटा मंदिर में ताने में। माँ आज मंदिर में इतनी भीड़ थी, पूछो मत, अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया। भगवान के घर भीड़ हो गई है क्यों बेटा? चल बेटी तू नाश्ता कर ले। ओ सुन, एक कप चाय मारे लिए अभी भेज दियो। मेरा बस की ना थार ले चाय बनानी, अपने आप बना लो। लो अब चाय भी अपने आप बनानी पड़ेगी। अरे मैं तो खाना भी अपना आप ही बना खा ले करूंगा अब। हाँ एक कप चाय ना बना सकती हमारे लिए? चली गई अपनी बेटी को लेके। चल ठीक है, आज अपना भी खाना बनाएंगे हम भी। बाबू यहाँ जगह बढ़िया, दारू का पैक लगाने को। चल ठीक है बैठ। कल पौआ ले। अबे यो कैसी दारू? अरे मैंने पौआ इसमें पलट लिया, पी के देख। अच्छा ज्यादा स्वाद सा होगा लग रहा मुझे। ले तू ले पहले। हाँ ये पैक तू ले पटियाला। अरे बट गए, कोई बात ना राज ही तो बटना। ला अब मुझे पिलवा दे। ले तू तो ऊपर घूमो कर, तेरे मुंह में घेर होने। हैप्पी बर्थडे टू यू। आया कुछ मजा सा। लुबकोलो से मुंह को पी रहे हो तुम? तुम्हें शर्म लिहाज तो है ना, अंधा मान रहे हो बिल्कुल ही मुझे। भाई रवि हम ना पी रहे दारू वारू, हम तो अपने सुख दुख के बदला रहे। क्यों भाई हम? हाँ सही कह रहा भाई, हो जिम्मेदार इसका है। सही कह रहा भाई हो। अरे इस मुंह को पी पी के थारे लीवर, थारी किडनी, फेफड़े सारे सब खराब हो जाओगे, मर जाओगे तुम एक दिन। झुकके जुई दारू तो भला किसी का भला हुआ जो थारा होगा। अल्लू को रे उमेर ते। You are right my भाया। Best दारू। You are my best भाया। साले स्मूथ को पी पी के इंग्लिश तो ऐसे बोल रहे हो जो थारा खानदान इंग्लिश वालों का हो। तो मैं शर्म लिया था ही और इसे मुझे दिखा रहा हाँ। जब फड़ूगी थी वो तो। भाई। साले मैं जा रहा हूँ।
दीख मची जो न पीने के फिर कदी नहीं पीने के भाई अरे रवि तो पागल हो लिया भला दारू पीना तो राजाओं का काम है बिल्कुल ठीक कह रहा ब, 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 भाई अरे दारू पीना तो रईसी आदमी का काम है ओ साले तेरे चमेली अरे हाँ चल बताओगे इसे भाई एक बात है घर तो मैंने मैंने इसका देखा नहीं पर मैं तुझे इसके घर पूछा जरूर दूंगा अरे चल ले चल चमेली का घर चमेली हम तो आ गए तू तू कौन से घर में बैठ गई भाई मुझे लग रहा है चमेली का घर अगला लग रहा भाई अगला जानते ना सुना जिनकी अली दर में चमेली इसी घर में खुशी होगी अच्छा तो तू एक काम कर दादागिरी में आवाज लगा चमेली आज हम देर तक भी आ करके जाएंगे बाहर निकल चमेली से ब्याह करवाओगे वो भी हम दादागिरी में ब्याह करके जाएं नुके हम डरे किसी से हम ना डरते हम तो चमेली ते ब्याह करके जाएंगे तो थारा दोनों का ब्याह चमेली ते करवाई दूं हाँ वो भी बहुत जल्दी और करवा दो ब्याह बहुत है सालो तम इसे पिसाब को पी के चमेली का घर ढूंढ रहे तमें नो नहीं पता चमेली का घर कौन सा कराओ ब्याह अरे ताऊ हम तो सारे घर चमेली के चमके अरे ताऊ हम तो सारे घर चमेली के चमके हमें तो सो तू भी चमेली और जाग तू भी चमेली मारे तो चमेली ते बिना कुछ नहीं ताऊ हमें तो नील भी लाती ताऊ चमेली रहता हूँ इसके घुमाना यू तो नशे में नशे में चले जाओ अभी तो विदाई भी बाकी है और वैसे कैसे आदमी देखोगे गुत्ता पालना पड़ा कर जाओ मेरे को चमेली को तो ढूंढ के गएंगे चाहे कुछ हो जाओ तो चमेली तो फेर के घेर के रहेंगे चमेली को लेके जाओगे ना सुनिए लाला सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया सूट वूट पहन के कहाँ के जाता खेत पे जा रहा हूँ खेत को जा रहा न्यू दुल्लवन के खेत को जाएगा और ये कपड़े कद काम आओगे ब्याह में तो आवे ना ब्याह में तो कोट पेंट बनवाऊंगा मैंने सोची आज नहीं कर लू चल ठीक है पर जल्दी आ जाइए आज क्यों पिताजी आज के बात है ऐसी आज बढ़िया बात यू है आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं पिताजी मुझे ना करना ब्याह ब्याह अभी मेरी उम्र ही कितनी है पिताजी गुड़ होना चाहिए बाकी तो बहुत आ जाए ज्यादा पुराना गुड़ काला पेड़ा भी बैठ जा बात का ध्यान रख लिए अभी आ रहा हूँ मैं हेलो हाँ कौन अब हेलो हेलो करती रहेगी मैं पिताजी से झूठ बोल के आया हूँ जल्दी आ जा बापू से झूठ बोल के आया तू है कौन तू चीड़ फाड़ के सुखा दूंगी है? सही नंबर तो गलत ना मिल गया
नंबर तो सही है पर यू ऐसे कैसे बोल लिया चीर फाड़ के। हेलो, अरे मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि रवि बोल रहा तो फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अच्छा बावड़ा मान रही है जो मैं यहाँ पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पागलों की तरह बैठा या पागलों की तरह मैंने फर्क ना पड़ता। और तू बुलाया किसने? मतावे देख तू तो अभी आओगी भगी हुई, अभी जाके नहर में कूद रहा हूँ। चुपचाप अपने घर चला जा, नहर में क्यों कूदता है? हाँ क्यों कूदू, मैं उल्लू का पट्ठा हूँ, गधे का बच्चा हूँ, यूँ कूदू नहर में? ए कूद रहा हूँ नहर में जाके। नहर में तो जब कूदेगा जब मैं कूदन दूंगी। आ रही हूँ। तू तो नहर में कूद रहा कहीं था? अगर मैं नहर में कूद जाता तो तेरे से प्यार कौन करता फिर? दिलबाग, एक कुबेर एक नेवला। लो बाबूजी, बाबूजी पैसे तो दे दो। दू या बाद में लेगा? साले ऐसा इल्जाम लगामा जमानत भी नहीं होने देने का। पहले अपना पहला हिसाब तो दे दे। कोने में इस वर्दी को पहनकर बड़ों से बोलने का तरीका भी भूल गए सर। अरे तू जा, खोपड़ी खराब मत करे। भारतीय सभ्यता की बात की तो खोपड़ी खराब होने लगी के साथ साथ तुझे भी हवालात में बंद कर दूं। खाकी वर्दी का रोम मत दिखा, ये वर्दी गरीबों को लूटने के लिए नहीं बनाई गई। अरे ये वर्दी तो गरीबों की हिफाजत के लिए पहनाई गई है। अरे तुझे तो मैं कल बताऊंगा। अरे क्या बताएगा तू, खारा वर्दी की धौंस। तुमने तो उसे भगा दिया, कल फिर मेरे को परेशान करेगा। अरे यार तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना गांव के अंदर। बोलाओ काफी और पेंसिल दो। दो सर जी। खारा गांव में आके पुलिस की धौंस। वर्दी पहनी तो इसका मतलब ये थोड़ी गांव में आके किसी को भी लूटो खसोटो। अधिकार तो हमें भी मिले हुए हैं। देख ये मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, 9436163006। कोई भी बात हो मुझे फोन कर देना, बाकी मैं जानू। बिल्कुल भी कोई भी पुलिस वाला आवे ना उससे डरने की जरूरत नहीं है। गलती अपनी नहीं होनी चाहिए, गलती अपनी है तो मैं फिर बाहर हूँ। चढ़कर साड़ी पता उतार नहीं, नहीं। चल लगा धक्का। We'll be right back.
लगे साले वही लगे जो उन्हीं की करामात है। जाओ चाहे दिल्ली बम्बई आगरा नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। शामली सहारनपुर मुजफ्फरनगर खेकड़ा बड़ोद। शामली सहारनपुर सखावतपुर। आजो कोई हो तो हल्की हो या भारी। 10 रुपए सवारी हल्की हो चाहे भारी। बम्बई आगरा दिल्ली बम्बई आगरा। शामली बड़ोद बागपत चटेरी मुजफ्फरनगर गड़ी सखावतपुर खेकड़ा मुजफ्फरनगर लोनी मौजपुर गोंडा गोंडा। अरे सवारी तो इन्हें रही मुझे नीचे ना रही कोई सवारी। कौन सा लाया मेरी मोटरसाइकिल यहाँ भाई? हमने लाए या तो मारे पीछे अपना आप चल गई। भाई हमने इसके बहुत थप्पड़ मारे फिर भी हमारे पीछे पीछे चल आएगी। आ आ आ आ आ अरे तोड़ दिया मेरा खावा तोड़ दिया। अरे मारी तो सुन ले जीवन तो ऐसी आ रही है तुम दोनों में बजाए चलो जाओ। अरे होते कौन मेरे यार सुसे पक्के वाले पर तेरे तो देवर हैं। अरे कौन अबे अरे तुम भी लटक लो इस पे। हमने आने के मोटरसाइकिल पे तू ही चला जा जब तुम्हारे मारे हैं। अरे हम जा रहे हैं अपनी लटकन के पास से। साले मजनू हो रहे हो हार में तभी कच्चा पहनना नहीं आता। है बाबा मु रवि हमें पागली मान रहा अनुगे थार पे तो ने कर भी पे पे नता। हाँ यार चल पैर का देखेंगे। हाँ यार अड्डू में अरे यू देखिए यू तो मन्ने पैर लिया। अरे मैं भी तो पैर लूं। आवे यार मार पता पैर ना मेरे ने कर कर ला ना 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 डा ज्यादा लंबा मन्ने तो चुच चुच छोटा डलवा तन्नू ही मर जा यार इतने जोर का ना मारा कर तेरे हाथ का तो बहुत थोड़ा सा लगे। देख यार मार मार पे तो पैर ना आवे ना कर। हाँ यार देखिए चमेली के पास चले तू। हाँ चमेली के पास चल ले। बड़ा बावला हमारा खसम तो सब तो अपने लुगाई का इंतजार करें और यू मुंह ढाक के सो रहा। के है सारा दिन तुम फावड़ा बजावे बाल बस की ना तेरी गैर पड़ के सो रहा। कैसा मर्द है तू तेरे दिल में इतनी सोनी लुगाई देख के धक धक ना हो रही? धक धक तो हो रही है। कल मेरी गैर चली है ना खेत में फावड़ा लेके तुझे पता लग जाएगा दाल रोटी के भाव का। एक काम कर खड़ी होके जा खाट पे मर जा। ऐसी तैसी तेरी और तेरी खाट की मन्ने भी गुसा ले जाए मगो मन्ने ठंड लग रही। अरे क्या पता यू सोड़ क्यों ना तेरी तू मान रही ना मान रही नहीं तो तू जाना है मैं तुझे फिट कर दूँ फिर। आए थारे मुंह में घी सककर फिट होने को तो आई कर देना फिट। पैदाइशी बावले यू बापू का काम ना है यू थारा महारा काम है। तू बड़ी इसमें हम लौट जाएंगे पर जाके जी ना आप ऊपर।
मार मैं नीचे ठंड लग जावेगी मारे आदमी को। धन्य क्यों हद कर दी हो आ गई आज ना तो कल बहू भी आ जाएगी बिल्कुल अलाकरण कर दिया तन्ने तो बिल्कुल। चल खड़े हो मुंह हाथ धो और खेत को चल। चलो मैं आ रहा हूं। चल खड़े हो खड़े हो जल्दी आ जा। आ जी के मैं कर रहा हूं यार। पापा आ बेटा। हाँ बेटा बोल। बोल बेटा जो बोलना है तेरे पापा किसी बात को मना नहीं करेंगे। माँ वो मैंने पापा से पैसे चाहिए। सीधी सीधी बोल। माँ मुझे पापा से पैसे चाहिए। बता कितने पैसे चाहिए? 300, 400, 500 चल ले। और दो। चल पापा से पैसे चाहिए मिल गए? ना पापा बहुत है। आज शाम को कुछ मेहमान आने वाले जल्दी आ जाइए। मेहमान क्यों पापा? मारी बिटिया को देखने के लिए। माँ मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। बेटा शादी तो करनी है आज नहीं तो कल। माँ मेरे साथ आइए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा ऐसी क्या बात है? माँ मैं एक लड़के से प्यार करूँ। कोई बात नहीं बेटी इस बात को तो तू अपने पापा के आगे भी कह देती वो मना थोड़ी कर रहे थे। के बात हो रही है माँ बेटी में? हाँ हमें भी तो पता लगे। न्यू कह रही मारी मोहिनी मैं किसी लड़के से प्यार करूँ। क्या कोई बात ना मत यू की नहीं बात है पर छोरा देखना मैं ठीक जाऊंगा। मालती मैं अपनी बेटी के खिलाफ तो चलूंगा नहीं लेकिन एक बात है लड़का खाता पीते परिवार का देखने में साफ सुंदर हो और हाँ बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू को जो है ना भाई ये मुझे लगा ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए बाकी देख लेंगे। ठीक कह रहे जी मैं थारे खिलाफ थोड़ी ना जाऊंगी। बात खिलाफ की भी नहीं है मालती बात ये है बस लड़का मैच खाता हूँ चल अब थोड़ी बात बीड़ी बांटे तो प्यादे का दियो ठल्ली बैठा रखा के सुबह से मेरी बीड़ी ले होगा सुबह सुबह और करेंगे के दो लगा दूँ मैं। हाँ कट्टी दो लगा करे तो अच्छा रह जा फिर कितना स्वाद है तेरी बीड़ी से लगाने में भी पीने में भी स्वाद आएगा नल इसी लगा दी। हाय हाय आज कौन बचाएगा तुझे? उस दिन तो रवि ने बचा लिया था। अरे आज हम बचाएंगे हम और थारी ऐसी तैसी। तुझे कुछ और काम ना है जा देख के भाई हनुमान की ढाल कूद पड़े। कदी हमें भी मौका दे देगा कुछ करने का। मौका देगा यो। हाँ अब बता क्यों चिल्ला रही है तू? कुछ खबरी है। क्या कुछ खबरी है? तेरी मेरी शादी की बात चल रही है। अरे क्या कह रही है तू? भाई समझ में आ रहा कुछ भी? साफ साफ बता। तू पापा ने बुलाया शादी की बात करना। चल मैं डर रहा हूँ तेरे बाप से। चल तू अब चल।
से कम पढ़ा लिखा मान रही है के? मैंने बड़े बड़ों की बोलती बंद कर रखी है, तेरा बाप है के चीज? मेरा कहने का मतलब ये है पापा से थोड़ी सोच समझ। अरे तू चिंता मत करे, जब मैं हूँ ऐसी ऐसी बात करूँगा तेरे बाप से तो फाट के मेरी कोड़ी भरेगा। और पूरे बिचपड़ी गांव में ऐसा लौंडा है जैसा मैं हूँ? चल पड़ी में कोई रामपाल नाम का व्यक्ति रहता है। जानो जी उन्हें, वे तो मेरे पिताजी हैं जी। फिर ये रिश्ता किसी भी सूरत में नहीं। क्यों जी, क्यों हुआ इस रिश्ते में ऐसा? तो बहुत जल्द यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं एक दुश्मन का खून अपनी चौखट पर बहाकर अपनी चौखट को गंदी नहीं करना चाहता। क्यों तुम बोल रहे हो, पर तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? क्योंकि तू एक कातिल दरिंदे का बेटा है। चौधरी कातिल साहब, ऊंचा बोलना मैं भी जानू। तू ऊंचा बोलना जानता है, मैं ऊंची आवाज दबाना जानता हूँ। तू अंदर जा, अंदर जा। क्या बात है, मैं पापा के साथ अंदर जा रहा हूँ। चौधरी अब तो मैं जा रहा हूँ, पर मेरे पिताजी को भूल के भी कातिल कह दिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मोहिनी के पापा हो। मां भवानी की कसम, इस समय अगर तेरा बाप तेरे साथ होता तो एक अनहोनी घटना घटित हो जाती। चौधरी मैं इसका जवाब बहुत जल्दी दूंगा। Rolling.
रवि, रवि जिंदा रहेगा तो सिर्फ तेरे लिए रहेगा। तुझे जिंदा रहना या नहीं? तुम इसे मत मारो, चाहे तो मुझे मार। कोई नहीं, तू इनके साथ चली जा, मैं तुझे जिद से बिहार लेके आऊंगा। चल तू घर, चल घर मत आ। बेटी, एक बाप होने के नाते तुझे मैं इतना ही समझा रहा हूँ, आज के बाद उसे भूल जा, उसकी तरफ खुल कर भी मत देखना। पापा 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 कुछ नहीं, आज के बाद अगर तू उससे मिली ना तो उसके टुकड़े टुकड़े नजर आएंगे, समझी? चल बेटा। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चांद सी महबूबा है मेरी, ये मैंने कब सोचा था, चांद सी महबूबा है मेरी, ये मैंने अब सोचा है, चांद सी महबूबा है मेरी, ये मैंने अब। की खराब हो रही दिखे, किसे देख के गाना गा रहा है? तेरे देख के ना गा रहे हम, तेरे जैसी तो 360 भी रहे, क्यों रहा मुपन सारी? लाल पीले आलू की जड़ मार जैसी ना मिलेगी कोई। अरे ते 10 गुना सोनी है मारे धोरे। हाय कितनी सुंदर है वो, नाम बता ससुरी का, चीर फाड़ दूंगी। ओए तू कैसे चीर फाड़ दी मारी ले 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 लको? और जो मारी ले लको ही कुछ कहेगा ना कि आ खोड़ देंगे एक और खा लेंगे पैड़, और लते देंगे पैड़, और उसके चु 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 चुत्तर पीट पीट का कर देंगे दांत। तुम दोनों ठीक कह रहे, जब तक ना हमें घास ना डाली कोई ना कोई तो हमें घास डालता ही। हम तो तुझे बहुत चाहे थे पर तेरे तो भाई ज्यादा बढ़ रहे थे। तुम दोनों एक बात सुन लो, जब तुमने किसी छोरी को देखा ना तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। ना ऐसा बिल्कुल ना कर दिए, तू ही तो मारा असली प्यार है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तुम मजाक कर रहे थे, तुम दोनों कुत्ते हो कुत्ते। क्या, क्या? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने। पिताजी। हाँ बेटा। मैं थारे से कुछ बात पूछना चाहूँ। बता बेटा क्या पूछना चाह? जो मुकीमपुर वाला चौधरी हरिराम है उससे थारे संबंध कैसे है? ये तो क्यों पूछने चाह रहा? अगर तुम बता दोगे हो सके थारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जा। नामुमकिन, हमारे हरिराम से बहुत अच्छे संबंध है। एक दिन thank you.
के लाई आज खाने में? जो लाई हूँ अच्छा लाई हूँ, खा लो। ओले भाई खा लिया बना तो रोटी, बिजली आ गई, मैं बिजली चलाया हूँ। कोई बात ना, बिजली चला दूंगी मैं, चला दूंगी, तुम खाना खा लो। अम्बल भाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की निशानी है, ये तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। हरी राम, यू जमीन थारी ना, हमारे पूर्वजों की है। मैं नहीं चाहता थारी मारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। देख हरी राम, दुश्मनी में भी ना चाहता, यू दो बीघे की बात है ना, इस दो बीघे की जगह चार बीघे ले ले तू नहर पे। अम्पाल तेरी बात ठीक है, मैं मान लूंगा, लेकिन ये जो जमीन है ना, मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इस जमीन को हर हालत में लूंगा। जहाँ तक बात है तेरी 5 बीघा की, तू मेरी में से 20 बीघा ले ले, मैं देने को तैयार हूँ, पर यो जमीन मुझे चाहिए। ये 2 बीघे की बात है ना, 2 बीघे की जगह तू 4 बीघे ले ले नहर पे। देख रामपाल, तू मुझसे अच्छी तरह वाकिफ है, इस जमीन के पीछे खून खराब हो जाएगा। मुझे धमकी ना देवे। मैं धमकी ना दे रहा, मान जा। मारे जीते जी यो जमीन तुम्हें ना मिले। मारो। अच्छा, खड़ी हो जा। उन्होंने तो नवासी कर दिया महाराज, मेरा तो घर का नाच कर दिया। रामपाल भी हमारी तरह चौधरी खानदान से है, वो किसी भी समय हमसे बदला ले सकता है। चिंता मत करो बड़े भाई, तुम कहो तो लगे हद तो रामपाल का भी काम तमाम कर दूं। सोच तो तेरी बढ़िया है, क्योंकि सांप को फन उठाने से पहले कुचल देना चाहिए, कुचल। क्योंकि रामपाल अब हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। चिंता मत कर बड़े भाई, उसका तो काम में काम तमाम कर दूंगा। आखिर भाई किसका है तू? मैं तो तेरे ही पास आ रहा था। तेरे पास नहीं, तेरे भाई के पास जा रहा था। मेरे भाई के पास तो तू तब जाएगा जब मैं तुझे जाने लायक छोड़ूंगा। मारना नहीं चाहता था। क्योंकि तू बहुत छोटा था और मैं तुझे लेकर यहां आकर रहा, पर तू ये सब क्यों पूछना चाहता था? पिताजी, पिताजी एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया, जो उलझन कभी सुलझ ही नहीं सकती। पता नहीं सके पूछना पड़ता, क्या तुझे यू प्यार भूलना पड़ेगा? मत करो बेटा, मुझे कुछ सोचना।
से पहले तो हाथों में पूजा की थाली भी होती थी। कोई बात ना बेटा, मंदिर जावे तो अपनी माँ के साथ ले जा। मुझे मालूम था तुझे उस रवि से बात करनी है। याद रख, दुश्मन का नाम बैठा। किसी ने तेरी तरह उंगली उठाई हो तो उसकी उंगली काट दूं। अरे आंख दिखाई हो तो आंख फोड़ दूं। अरे मेरा पहले दिमाग खराब हो रहा, हरे दिन से ही हो तो चले जाओ, इसमें थारी भलाई है। ले बा, ले बा ले। अरे भाई तो मैं अपना नहीं बात के। हम मजाक वजाक जरूर करें पर तिल्ले जान दे सके हम। यारी तो सब कर ले, यारी का तो भाई जब पता लगे, जब यार यार एक दूसरे के काम आवे। यार मुझे एक तरफ गुआर एक तरफ खाई, ना तो मैं प्यार कर सकता ना ही मैं अपने पिताजी को छोड़ सकता। ये बताओ यार मैं क्यों। अरे यार तन्ने तो जरसी बात का पतंगर बना दिया। अरे हिम्मत कर काम ले। अरे तुम्हें तो पता है हिम्मत बहुत है मेरी। यारी हमने की, यारी भी हमी नहीं भावगे। कान उरक कर। मैं कान में के के भाई तू से लेके बात तो छोड़। तू पहले मेरी बात सुन। तू जिस हाल में भी है ना, उस हाल में गांव के बाहर आ जा। अगर तने मेरे से प्यार करा ना तो अभी आ जा। अभी बता तो सही क्या बात है। तेरे घर को ने मेरी माँ मारी, मेरे घर को ने सारा घर का एक आदमी मार दिया। इसमें भारी की गलती है, अब तो हिसाब बराबर है। तू एक काम कर, जल्दी करके आ जा, मैं आने लग रहा हूँ। महंगा पड़ जाएगा महंगा। मोहिनी कहाँ है, चुपचाप बता दे। धमकी मत दे लाला,
हम भी चौधरी हैं चौधरी। अरे ये बात तुम्हारी लड़की की, हमें क्या पता कहाँ है वो। मोहिनी ने तो हम सात समुद्र पार से भी ले आएंगे, मगर ध्यान रख। महंगा पड़ जाएगा महंगा। जो तुझे करना सो कर लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात तेरी लड़की की, कसम भोलेनाथ की मुझे कुछ नहीं पता। पापा इनसे हम बाद में निपट लेंगे, पहले हम मोहिनी को ढूंढते हैं। ठीक कह जा तू रामपाल, ध्यान रखिए अगर मोहिनी ना मिली ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा जिंदा। चल हरिराम, गरजने वाले कभी बरसते नहीं देखे। बरसेंगे और ऐसा बरसेंगे अपनी बारिश में, तुझे भी भागे ले जाएंगे हम। मुझे देखना पड़ेगा। बात सुन रामू, रवि तो भाभी को लेकर गया भाग। मजा आगा, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। अरे मेरी बात सुन, मन्ना देख तेरे नाम की थोड़ी सी बचा रखी पियर, ले मार ले तू भी एक पैक पटियाला सो। अरे शरीर पेगा हमें भी तो पी लो। पूरे दे तूने पिया, अब और तू ही पिएगा। मक्खी पड़ी इसमें तो सुसरे। तुझे पता ना तेरे नाम की मन ने बचा रख दिया थोड़ी सी बियर, ना पीवे। अब रामू तू एक बार बता, हम चमेली को छोड़ के किसी और को ना कर ले। ना कोई बुराई है ना कोई मना कर रहा, पर पिछवाड़े पे डंडा बजेगा। मुंबई रामू पंचारी कैसी लगी हमारी मजाक। बहुत बढ़िया चंपा गली, इतने इतना छोड़ने के हम क्या दुनिया को छोड़ दे। हाथ न लगाइए तोड़ दूंगी। अरे चंपा गली तुझे ना छोड़ के जाने के हम, यही बात तुम्हारे कलेजे में चुभे जो तुम्हें हाथ न लगन देती। बाकी काम तू करवाएगी क्या। ए काकू कह रहा तू, तू तो गलत समझ रही। मारा कहने का मतलब यू है, हमारे घर का बाकी काम तू करेगी क्या। जब हमें सारा काम करना पड़ेगा तो हमें भी आगा के फादा करके इसका मतलब तुम हारते प्यार नहीं की प्यार नहीं करती तुम हारते। मैं तारे ना देखे तुझे ठेंगा भी ना मिलेगा। धनिया था ज्यादा भी ना तू कुछ। चली जा उल्टी सिकल की। अरे तू छोड़ मरण दे ना तू यो पैक पी। अरे क्यों कुत्ते के कुकु सिर पे चढ़ावे। अरे ले तू यो पैक तो पी ले। अरे दोनों भाई पिएंगे और जिएंगे। चल जो बात होनी थी होली, जो होगा के देखा जाएगा। तू चल ओ मानस के बच्चों, यहाँ कोई एक लड़का लड़की भागते देखे। बोलने की तमीज सीख ले, अगर वो पैसे रेपट मारूंगा। बकवास बंद कर, कोई भागता हुआ देखा तो बता। औलाद हमने तेरा और तेरी छोरी का ठेका ले रखा। अरे हमने भगाई वा तुम्हारी पूछ पाड़ ले।
प्यार किया? मोहिनी, बिना मरना किसी के साथ है? मोहिनी, तुझे बाबा की इज्जत का ख्याल तंग भी नहीं रहा? ओए, चिल्लावे मत, बात राजी की है, कह राजी की थोड़ी है, चिल्लाना मेरे पे भी आवे। मैंने प्यार करा, पाप थोड़ी करा। हरिराम, दुश्मनी मारी और तेरी है, इन बालकों ने तेरा की बिगाड़ा, बदला लेना तो मारे से ले, इन बालकों पे क्यों बड़ा लिखा है? तू तो मरेगा ही रामपाल, तेरे साथ जो सांप सपोला भी मरेगा जो तूने बैठा किया, क्योंकि इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। हाथ बेटा मार, सुनो ये खून खराबा कब तक करते रहोगे? प्रधान जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पर मैं खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इनके आगे हाथ मत जोड़ो, इन्हें खून बहाना तो बहा दो। चला दो गोली। सुनो, खून खराबा ना करो। मैं भी थरे आपके हाथ जोड़ रहा हूँ और मैं खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। पिताजी, इनके सामने हाथ मत जोड़ो, इन्हें खून बहाना तो बहा दो। अरे मार दो गोली। नहीं भैया, गोली चलानी है तो मेरे पे चलाओ। मोहिनी, तू सामने से हट जा, तूने हमारी इज्जत वीरान कर दी। मोहिनी, तू आगे से हट जा, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। इसके साथ साथ मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। मेरे होते है तुझसे गोली मारेगा? चला गोली, देखू तेरी गोली में कितना दम है। मान जाओ, मुझे पता था ये सब होने वाला है, गोली ना चलाओ। इन दोनों को गोली तम नहीं मैं मारूंगा, पर एक शर्त है। प्रधान जी, इन दोनों को मार कर थारी दुश्मनी खत्म हो जा तो इन दोनों को गोली मैं ही मार दूंगा। खत्म ना हो जाए क्या करे, दुश्मनी खत्म नहीं होगा? जब दुश्मनी खत्म नहीं होने की तो इन दोनों को मारने से क्या फायदा? ऐसा तो पीढ़ी दर पीढ़ी खून खराबा होता ही रहेगा। कुछ ऐसा करो जो दोनों घर बसे रह जा, ऐसा तो तुम एक दूसरे को मारते रहोगे और परिणाम तुम दोनों के घर उजड़ जाओगे और दुश्मनी फिर भी खत्म नहीं होने की। दुश्मनी कैसे खत्म हो प्रधान जी? तुम दोनों प्रधान प्रधान कहो, पर प्रधान की बात तो न मान रहा कोई। सभी मान लेंगे, हम तो तेरी सारी मान लेंगे। तू बता रहा अम्पा, हमारी बात मानेगा या नहीं? प्रधान तेरी बात फिर मत कर दो, इन दोनों का ब्याह और इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल दो। इस तरह तुम इस पाप से बच जाओगे और तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। अरे कोई मारे बारे में भी सोच लो। थारे बारे में क्या सोचूं? तुम दो हो, जो केली है। तारा करो, इन दोनों को तो मैं केली सुद्धा कर दूंगी।